इनकी पूरी पूरी एक साजिश है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए, और जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं। जाएंगे वो इस्तीफा दे देंगे तो फिर बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, आम आदमी पार्टी को खत्म कर। अगर सीएम साहब को जेल में डाला जाता है तो उसी तरह से सरकार चलेगी जैसे 49 दिनों के अंदर। क्या अरविंद केजरीवाल को डर नहीं लगता? क्या अरविंद केजरीवाल को मालूम चल गया है कि अब सरकारी एजेंसियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? नमस्कार, स्पिन 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं नाजमिन खान आपके साथ। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी सीबीआई को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी अधिकारियों को जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। पहला समन अरविंद केजरीवाल को जारी होता है शराब घोटाले के तहत, और कहा जाता है कि 2 नवंबर को ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल को पहुंचना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर ना पहुंचकर मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं और चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, और सीधे सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों को ये कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं। तमाम बातों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता है। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी अधिकारियों ने अभी तक दूसरा नोटिस जारी नहीं किया है, क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं सरकारी एजेंसियां? क्योंकि पहले जवाब के संदर्भ में ईडी अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा है कि नोटिस जारी करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक दूसरा नोटिस जारी नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब भी यहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं, छत्तीसगढ़ भी देखे जाते हैं, मध्य प्रदेश भी देखे जाते हैं, और ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ये दावा करती हुई नजर आती है कि सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो जाती है तो सरकार जेल से चलने के लिए तैयार है। इसी को लेकर क्या कुछ आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है, देखिए जरा। बनाया है जिसके तहत वो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी नोटिस भेजा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मनीष जी की बेल की हियरिंग चल रही थी तो किस तरह से जज साहब ने कई बार पूछा कि भाई इसमें सबूत क्या है, इसमें पैसे कहाँ हैं, आपके पास क्या सबूत है। यहाँ तक कि जज साहब ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हालांकि बेल नहीं हुई। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और जज साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी हम बड़ी आदर करते हैं। साथियों, मोदी जी को ये पता है कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव में नहीं जीत सकते। दिल्ली के अंदर उन्हें हमने 2013 में हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया और 2022 के एमसीडी चुनाव में भी हराया। पंजाब में वो चुनाव हारे, हर जगह जहां जहां आम आदमी पार्टी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी को नस्तनाबूद कर दे रही है। गोवा के अंदर हम चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने ये समझ लिया कि अब सिर्फ
एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए और उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये इनकी पूरी पूरी एक साजिश है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए, और जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं जैसे पहले कोशिश की। उनकी एक पूरी की पूरी साजिश है, ये पूरा का पूरा प्लान पिछले एक डेढ़ साल से वो बना रहे हैं कि किस तरह से पहले सतेंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया जाए, फिर मनीष जी को अरेस्ट किया जाए, फिर संजय सिंह को अरेस्ट किया जाए, फिर उसके बाद सीएम साहब को अरेस्ट किया जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए। इनका एक ही मकसद है कि जब सारे लोग चले जाएंगे, वो इस्तीफा दे देंगे, तो फिर बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देना। कल MLAs की मीटिंग हुई थी, सभी MLAs ने CM साहब से कहा था कि इस्तीफा आपको नहीं देना है, हम जेल से सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी पार्षदों की आज CM साहब से मीटिंग हुई, बड़ी लंबी मीटिंग चली, डेढ़ घंटे तक मीटिंग चली, और सभी पार्षदों ने एक सुर में CM साहब से ये विनती की कि आप इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और आप अगर मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है, उनके मकसद को किसी तरह से कामयाब नहीं होने देना है। CM साहब ने हम लोगों की सारी बातें सुनी, सारे पार्षदों की बातें सुनी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उन्होंने हमें साथ ये भी बताया कि अभी वो पंजाब के और बाकी देश के संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करके एक निर्णय लेंगे। साथ ही साथ आज की मीटिंग में कुछ और फैसले लिए गए। अब दिल्ली के अंदर एक एक घर में, एक एक जगह जा जाकर, एक एक गली में जा जाकर रेफरेंडम चलाया जाएगा, लोगों से जनसंवाद किया जाएगा और लोगों की विचार जाना जाएगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर इस तरह के जनसंवाद होंगे, इस तरह की मीटिंगें होंगी, और पूरे देश के अंदर ये रेफरेंडम किया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। आपको ध्यान होगा जब 49 दिन की सरकार बनी थी 2013 के अंदर तो एक जलजला आ गया था, लोगों ने गवर्नेंस देखी थी, लोगों ने एक तरीका देखा था कि किस तरह से एक सरकार चलाई जा सकती है, और वो सरकार 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने चला के दिखाई। अगर CM साहब को जेल में डाला जाता है तो उसी तरह से सरकार चलेगी जैसे 49 दिनों के अंदर सरकार चली थी, और हम पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर घूम घूम के नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे और लोगों से रेफरेंडम लेंगे। ये सारे आज फैसले लिए गए, CM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके फिर कोई आखिरी फैसला सुनाएंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न? आज निर्णय लिया गया है तो इसकी पूरी रूपरेखा आप लोगों को दे दी जाएगी। सभी पार्षद अपने अपने एरिया में और सभी विधायक अपने अपने एरिया में ये रेफरेंडम शुरू करेंगे, ये नुक्कड़ मीटिंगें शुरू करेंगे जिसमें हम जनता से संवाद करेंगे, पूरे देश की मीडिया को इनवाइट करेंगे, सभी लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप पार्टिसिपेट करो, आप दिखाओ, आप बताओ कि दिल्ली की जनता और देश की जनता क्या कह रही है। एक ही प्रश्न होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद, वाकई क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, दोनों सूरतों में क्या आम आदमी पार्टी की जीत होती हुई नजर आएगी? जिस हिसाब से दावा किया जा रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो सरकारी एजेंसियों ने, ED अधिकारियों ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि भनक लग चुकी है। अरविंद केजरीवाल खुद खुलासा कर चुके हैं कि सरकारी एजेंसी केंद्र सरकार के इशारों पर कर रही, अगर सबूत नहीं मिले तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या पूछताछ करेंगे, क्या सबूत पेश किए जाएंगे? तो बड़ा सवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी बड़ा जवाब भी छोड़कर जा रही है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी टल गई है या किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है? क्या है राय आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।